जय श्री राम। दर्शकों दर्शकों, आज मैं उपायों की श्रृंखला में एक अत्यंत ही सुलभ, सरल, सटीक एवं अचूक उपाय लेकर आया हूं। यह उपाय विष्णु प्रिया लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को करने से विष्णु प्रिया लक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करेगी, उनको धन प्रदात्री देवी माना गया है। साथ में इस उपाय का जो मिश्रण है हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के प्रदाता हैं और इस कलयुग के साक्षात देवता माने जाते हैं। कलयुग में अगर कोई शीघ्र प्रसन्न होने वाला और शीघ्र प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाला, परमेश्वर प्रदान करने वाला कोई देव है तो वो हमारे हनुमान जी हैं। और श्री राम भक्त हनुमान को भी इस क्रिया से आप प्रसन्न कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय बताने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी उपाय मैं लाता हूं वह सर्वप्रथम आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। दर्शकों, अगर हमारा बताया उपाय आपको अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो भी हमारे द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान से अधूरा ना रहे। दर्शकों, पूजा पाठ सभी करते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं वो तकनीक विधि बताते हैं। जब तक आप पूजा पाठ में भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत लोग की स्थिति है। कबीरदास कह गए, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, करका मन का छार के मन का फेर। तो कबीरदास ऐसे नहीं बोल गए। बहुत लोग आज 10 माला करी, आज 20 माला करी, आज 50 माला करी करते रह गए। अब महाराज, मैंने उनको दुखों से कभी छूटते हुए नहीं देखा। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, आप माला तो जपते चले गए, भावना से जुड़े नहीं। पूजा भाव से होता है, प्रभाव से नहीं होता। पूजा अभाव में भी अगर आपके पास सिर्फ भाव है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। कम समय में भी भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के दरबार में सिर्फ जाकर नमस्कार करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा आया है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो सुबह से लेकर शाम तक माला जप रहा है उससे मैं पीछे हूं। पीछे कोई नहीं होता, पीछे आपके भाव के अभाव में आप पीछे रह जाते हैं। कितना भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं। खैर दर्शकों, आइए मैं उपाय की तरफ आपको लिए चलता हूं। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार, जो पहले पड़े, प्रथम मंगलवार पड़े तो मंगलवार से शुरू करना है और प्रथम शुक्रवार पड़े तो शुक्रवार से शुरू करना है, क्योंकि ये लक्ष्मी और हनुमान जी का मिश्रित उपाय है। और करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पूजा में एक छोटी सी टेक्निक का यूज करना है। इस टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं तो पता पड़ेगा कि लक्ष्मी जी भी अत्यंत प्रसन्न है और हनुमान जी भी अत्यंत प्रसन्न है। लक्ष्मी जी कहती है कि इसको धन दिया जाए, तो उधर से हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ दिया जाए। और लक्ष्मी मतलब सीता जी, और सीता जी बोल रही है कि धन दिया जाए, तो मतलब राम जी भी बोलेंगे, नारायण भी बोलेंगे धन दिया जाए, और हनुमान जी भी बोलेंगे धन दिया जाए। तो अब ये बताइए कि समस्त राम दरबार आपको ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए अगर तत्पर है तो आपका ऐश्वर्य कोई छीन सकता है? हमने तो भैया
अच्छे अच्छे निर्धन लोगों को अच्छी जिंदगी जीते देखा और अच्छे अच्छे अरबपतियों को खाक छानते भी देखा। जीवन में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, इसलिए इन उतार चढ़ावों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप एक पूजा का नियम रखें, उस नियम के अंतर्गत ही यह उपाय है। आइए अब शुभ समय का चयन आपको करना है कि पहले शुक्रवार आ रहा है, प्रथम शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार आ रहा है या प्रथम मंगलवार आ रहा है। उस अगर प्रथम मंगलवार आ रहा है तो हनुमान जी के लिए जो भोग होता है उस भोग की व्यवस्था करें। हैं, कुछ नहीं मिलता, गुड़ चने की भोग लग जाती है हनुमान जी को। और प्रथम शुक्रवार आ रहा है तो लक्ष्मी जी को नैवेद्य में आपको केसर मिश्रित खीर की व्यवस्था करें। मैंने एक बार बोला था लेकिन फुर्सत के अभाव में मैं लक्ष्मी जी की खीर का व्याख्यान नहीं कर पाया कि कैसा खीर होना चाहिए। कभी मैं आपको खीर कैसे बननी चाहिए लक्ष्मी जी की वो मैं बताऊंगा। खैर, आप इतना जाने कि लक्ष्मी जी के लिए एकदम स्वादिष्ट खीर केसर युक्त व्यवस्था करें। अब जैसे मान लीजिए कि पहला शुक्रवार आया, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार के बाद में मंगलवार आया, तो शुक्रवार के दिन आप खीर बनाएं। खीर बनाकर लक्ष्मी जी का जैसा भी आप पूजन करते हैं आप करिए, उसमें हमको कोई ये नहीं है। आप जो पूजन करते हैं आप करिए, लक्ष्मी जी को उस खीर का भोग लगाइए। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी के खीर में नैवेद्य में किसी भी नैवेद्य में तुलसी पत्र नहीं डालना है। आपको नारायण को समर्पित करना है तो अलग से कटोरी में रखिए, वो भावना की बात है, सबके भाव अलग अलग होते हैं। और लक्ष्मी जी को फूल में एक गुड़हल का फूल आप अर्पित करें और मां से अपने शरण में लेने के लिए निवेदन करें। आप कुछ मत मांगिए, मां से मां को मांगिए, मां आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें, बस। आपको धन मांगना ही नहीं है, इतनी ऐश्वर्यशाली माता अगर आपकी माता बन जाती हैं तो आप सोचिए कि आपके पास ऐश्वर्य की कमी रहेगी, सवाल ही नहीं उठता। और आप वहां संभव है तो एक बार श्री सूक्तम और एक बार लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। नहीं संभव है कोई बात नहीं, आप जो भी पूजा करते हैं एक गुड़हल का फूल आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के निमित्त अर्पित करें। अब उसके बाद मंगलवार आ रहा है या पहले मंगलवार आ रहा है, जब ही है तो हनुमान जी के लिए क्या करना है, हनुमान जी को भी आप जो भी पूजन उनका करते हैं करिए, उसमें कोई दुविधा नहीं है कि आपने क्या पूजन किया, जो आपको आदत है वैसा करिए। उसके बाद गुड़ चने का भोग लगाइए या जो भी भोग आपने, अगर रोट बना सकते हैं रोट बनाइए, लड्डू ला सकते हैं लड्डू लाइए, जो करना है आप जो भोग में देते हैं भोग में, उसमें तुलसी दल जरूर छोड़िए। तुलसी दल के बगैर हनुमान जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हनुमान जी के भोग में तुलसी दल अवश्य डालिए। और हनुमान जी को भी एक गुड़हल का फूल अर्पित करें और आप आजीवन नियम बना लें कि शुक्रवार को मां लक्ष्मी को एक गुड़हल का फूल अर्पित करना है और हनुमान जी को मंगलवार के दिन एक गुड़हल का फूल अर्पित करना है। निरंतर कर सके तो कोई बात नहीं, बट इस उपाय में एक ही दिन करना है। सप्ताह में एक दिन लक्ष्मी जी के निमित्त और सप्ताह में एक दिन हनुमान जी के निमित्त आप गुड़हल के फूल को अर्पित करें और हनुमान जी से आप उनकी भक्ति मांगे, वो अपने आप अष्ट सिद्धि नव निधि आपको प्रदान कर देंगे। कभी भी मांगने से कुछ नहीं मिलता, अगर मांगना ही है तो मैं एक श्लोक सुना देता हूं, यही मांग लीजिएगा, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, देहांते तौ सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। परमेश्वर से यही मांगा जाता है।
और इसके सिवा जिसने जो मांगा उसको धन तो मिला लेकिन सुख नहीं मिला, ऐश्वर्य नहीं मिला। मांगना है तो बस एक चीज मांगिए, वो मैं आपको बता दिया। दर्शकों, आप इस उपाय को करके देखें, चमत्कार आप बताएंगे, हमें बताने की दरकार नहीं। और आपसे फिर मिलेंगे हम अगले उपाय के साथ। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय श्री राम।